अरे भैया, मैं तो तंग ही आ चुका हूँ एकदम फ्लिपकार्ट से, पूरा परेशान हो चुका हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करो तो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, चाहे वह कोई भी चीज़ हो, मोबाइल हो चाहे ये भी या कोई भी चीज़ हो। पहले तो मोबाइल ही कैंसिल होता था, वो भी जब फ्लैश सेल रहा था, तो आजकल तो सिर्फ सेल का दिखावा करते हैं फ्लिपकार्ट वाले और कुछ नहीं। देखिए, मैंने सबसे पहले Realme 5 ऑर्डर किया, उस वे भी कैंसिल। आपके सामने स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन में शो कर रहा हूँ। अगला आप देख लीजिए Realme C2, ये भी स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूँ, ये भी कैंसिल। ये देखिए बोया माइक, ये भी कैंसिल। डिश टीवी, ये भी कैंसिल। सॉरी, डिस्टर्बेंस आ रही है बाहर से, कुछ पी पी की आवाज़, इसमें भी डिस्टर्बेंस। सारे चीज़ मैं परेशान हो गया दोस्तों, मैं क्या बोलूँ। खैर, इसको आप नज़रअंदाज कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, इसके बाद आप कस्टमर केयर को फ़ोन लगाते हैं तो वे भी कुछ सॉल्यूशन नहीं देते हैं। बोलते हैं सर ये सेलर ने कैंसिल किया, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये इसका हाई डिमांड था, बहुत ही डिमांड था। अरे भैया, मैं बोलना चाह रहा हूँ हाई डिमांड है तो आप आउट ऑफ स्टॉक रखिए ना। तो वहाँ फ्लिपकार्ट में आपका बाय नाउ का ऑप्शन कैसे आ रहा है और कैसे क्या कहता है आपका वहाँ शो कर रहा है, जो हमारे पास अवेलेबल है। रियलमी आज मैंने 5 ऑर्डर किया था, वो भी कैंसिल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैंने अपना कार्ड से पेमेंट किया था, उसमें भी बोल रहे हैं ये एक सप्ताह के बाद पैसा मिलेगा। तो ये कैसे चलेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे पैसा की ज़रूरत है तो ये क्या नाटक करते हैं, क्या मजाक करते हैं, ये सब कुछ समझ में ही नहीं आता है। एक सप्ताह के बाद पेमेंट, आपने तुरंत एक सेकंड में कैंसिल कर दिया, तो आप भी पेमेंट तो घुमा दीजिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का टाइम लीजिए, दो दिन का टाइम लीजिए, एक सप्ताह का आप टाइम ले रहे हैं, ये क्या मजाक हुआ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ भी ऑर्डर करो तो अमेजोन से ऑर्डर करो तो इसमें कुछ नहीं होता है, उसमें सेलर कैंसिल नहीं करता, ऐसा क्यों होता है, फ्लिपकार्ट में ही ऐसा क्यों होता है, ये सोचने वाली बात है। अमेजोन का सेलर नहीं है, वे लोग कैंसिल नहीं करते हैं, तो कुछ ज़्यादा मोबाइल ऑर्डर कर लो, एक दो मोबाइल ऑर्डर कर दो तो ये इंजाम लगाते हैं आप पे, आप रीसेलिंग कर रहे हैं, ये क्या मजाक हो रहा है, ये फ्लिपकार्ट ये ऐसा क्यों कर रहा है, खाली नाम का सेल लगाया हुआ है क्या। मैंने Realme 5 ऑर्डर किया है, 1800 रुपये उसमें डिस्काउंट मिल रहा था, तो कैंसिल अगर तुमको देना ही नहीं है तो आप क्यों अपना स्टॉक में रखे हो, आउट ऑफ स्टॉक उसमें क्यों नहीं शो करता, मतलब क्या मजाक आप लोगों ने बना दिया है। मैं ये फ्लिपकार्ट से कहना चाहूँगा, और MI.com या Realme का जो अपना ऐप है उससे तो कोई चीज़ कैंसिल नहीं होता, या Amazon से कैंसिल नहीं होता, ये तो सारे स्नैपडील वाले और कौन शॉपक्लूज वाले, ये तो डाटा ही बेचते हैं, कुछ उसे परचेज करो तो सर आपने ये परचेज किया, आप लकी ड्रॉ जीत गए, ये तो और ये वाह रे गजब बात है, क्या मैं बोलूँ, ये ऑनलाइन आपके साथ क्या कितना बजे फ्रॉड कर रहे हैं ये। तो दोस्तों, ये आपको ज़रूरत है पैसा, ये उन लोग क्यों करते हैं ऐसा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, क्या इनके टर्म एंड कंडीशन है, क्यों बार बार कैंसिल करते हैं। और फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर वाले बहुत बार ये भी बोलते हैं सर आपका पैसा सेलर की तरफ से भेज दिया गया है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ तो मेरे बैंक अकाउंट में वह पैसा शो क्यों नहीं कर रहा है। बैंक वाले से मैं पूछूं तो बोले हुए लोग बोलेगा कि आपका पैसा उधर से आया ही नहीं है, तो ये गलती किसका है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें बैंक वाले की गलती है या सेलर की गलती है, जिसकी भी ये गलती हो वे तो मेरे पैसा यूज़ कर रहे हैं। सोच लीजिए दोस्तों, ये मेरे ही साथ नहीं होता, ये बहुत अन्य के साथ भी होता है, करोड़ों हजार करोड़ रुपया जितना भी है मुझे तो उतना पता नहीं है, उतना वे यूज़ कर लेते हैं, वे अपना पैसा कमा लेते हैं, किसके पैसा से, कस्टमर के पैसा से। वाह वाह रे फ्लिपकार्ट, आप लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं ना, यही आप लोग सोच रहे होंगे कि कस्टमर को बुड़बक बना दिए, उसके पैसा से हम कमा रहे हैं, कस्टमर को देंगे एक सप्ताह 10 दिन बाद, क्या फ़र्क पड़ता है, ये हर बार ऐसे ही करेंगे, हर बार ऐसे ही चलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर भी करें सब दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, देखिए ये फ्लिपकार्ट क्या फ्रॉड कर रहा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।